अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद नसीर एंड वेलकम टू यूनिक आइटम्स। एजे के पीएससी एसएसटी जनरल का ये मेल्स का 3 सितंबर 2022 को कंडक्ट होने वाला पेपर है। इसमें से इंग्लिश एमसीक्यूज का सॉल्यूशन प्रेजेंट किया जा रहा है। अगर आप पहली दफा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि मजीद वीडियोज आपको इजीली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 41 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मार्क व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट अ सीरीज ऑफ वर्ड्स। सीरीज ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए कौन सा मार्क यूज किया जाता है, डैश, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या सेमी कोलन। तो सीरीज ऑफ वर्ड्स में जैसे आप कह सकते हैं ना, आई हैव अ पेंसिल, पेन, मार्कर एंड अ बुक। तो इनके दरमियान में जो है ना एंड से पहले जो है ना तो वो कॉमा लगे। इनको वर्ड्स को, सीरीज ऑफ वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए आप कॉमा लगाते। तो व्हाट मार्क इज यूज्ड आफ्टर अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस इमोशन आर फीलिंग। तो ऐसा सेंटेंस जो कि इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो उस सेंटेंस के एंड पे क्या आप लगाते हैं। तो ये देखिए ना, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वहां पे उनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होता है। जैसे आप कहते हैं ना, वाओ वी हैव वन द मैच, हुर्रा वी हैव वन द मैच, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो इस तरह के सेंटेंसेज जो एक्सक्लेमेटरी होते हैं उसमें उनके एंड पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है। ए आंसर होगा। मार्क यूज्ड बिफोर अ लिस्ट नेम, एक लिस्ट नेम से पहले। जैसे आप कहते हैं ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो उसके बाद आप कॉलन लगाते हैं, डबल डॉट होती है ऊपर नीचे, ये कॉलन होता है। तो आप लिस्ट नेम से पहले आप कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कॉलन लगा के फिर नीचे 1 2 3 आप क्वेश्चंस दे देते हैं, डी आंसर आ जाएगा। मार्क यूज्ड इंस्टेड ऑफ फुल स्टॉप आफ्टर अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एक डायरेक्ट क्वेश्चन के आगे फुल स्टॉप की बजाय क्या इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप, डैश, हाइफन। तो डेफिनेटली एक सवालिया फिक्रे के आखिर में एक क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया जाता है, ए आंसर आ जाएगा। मार्क यूज्ड टू इंक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर, जो एक स्पीकर ने एग्जैक्ट वर्ड्स बोले होते हैं ना उनको इंक्लोज करने के लिए, उनको मेंशन करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं ना, ही सेड आई एम बिजी, तो इस तरह ये डायरेक्ट स्पीच होती है, उसमें एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर होते हैं, वो कोलन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, कोलन। तो इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं ना उनके जरिए आप डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर को इनक्लोज करते हैं। प्लीज डैश ऑन, वी आर ऑलरेडी लेट, प्लीज कट ऑन, रन ऑन, हरी ऑन, फॉल ऑन। तो यहाँ पे सूटेबल जो वर्ड है ना दैट इज हरी ऑन, जल्दी करें, वी आर ऑलरेडी लेट, हम पहले से लेट हैं। तो प्लीज हरी ऑन आ जाएगा, सी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। द गवर्नर विल डैश अवे द डिग्रीज ऑफ द ग्रेजुएट्स, द गवर्नर विल डिवाइड अवे, गिव, गेट अवे, पास अवे, गिव अवे द डिग्रीज ऑफ द ग्रेजुएट्स। गवर्नर जो है ना डिग्रीज ग्रेजुएट्स की देगा, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो गिव अवे आ जाएगा यहाँ पे सूटेबल वर्ड, डी आंसर आ जाएगा। मे यंगर ब्रदर हैज रिजाइन डैश हिज जॉब, माई आई यहाँ पे बेसिकली, माई यंगर ब्रदर हैज रिजाइन फ्रॉम, एट, टू, ऑन। रिजाइन के साथ फ्रॉम आता है, रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब, तो राइट आंसर ए आ जाएगा यहाँ पे। ब्रदर्स ऑलवेज रिजेंबल डैश अनदर, तो क्या है रिजेंबल, वन अनदर, टू वन अनदर, विद वन अनदर, लाइक ऑन वन अनदर। तो इस तरह से क्या है रिजेंबल वन अनदर, ये सिंपली आ जाता है। तो ये एक प्रोनाउन है, तो रिजेंबल वन अनदर, एक दूसरे को जो है ना तो वो क्या करते हैं कि ये वो करते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन्स होते हैं, तो ईच अदर, वन अनदर, तो ये क्या है कि रिजेंबल वन अनदर। आई प्रेफर हेल्थ डैश वर्थ, जैसे आप कहते हैं ना, आई प्रेफर पेंसिल टू पेन, आई प्रेफर बुक टू कंप्यूटर, तो इसी तरह आई प्रेफर हेल्थ टू वेल्थ, ये एक फिक्स प्रपोजिशन है जो कि हेल्थ टू वेल्थ यहाँ पे आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है ये सिलेक्ट द सूटेबल एनालॉजी, एनालॉजी क्या होता है कि आप कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे एक एनालॉजी है ना, मैसन के पास, मैसन एक वॉल बनाता है, जबकि आर्टिस्ट की ईजल क्या होता है, वो एक होती है ना सीढ़ी नुमा चीज होती है जिसपे आर्टिस्ट चढ़ के तो काम करता है, फिशरमैन ट्राउट को पकड़ता है, आथर बुक बनाता है, और कांग्रेसमैन सेनेटर कहलाते हैं वो। तो इसी तरह देखे ना, मैसन वॉल बनाता है ना, दीवार बनाता है, इसी तरह ये देखे ना, आर्टिस्ट तो ईजल उसका एक टूल होता है, तो फिशरमैन ट्राउट को पकड़ता है, तो आथर बुक बनाता है। तो सिमिलर यहाँ पे क्या है, जैसे मैसन वॉल बनाता है,
ऐसे ही आथर बुक बनाता है, तो ये एक सूटेबल क्या है एनालॉजी है। सी आंसर आ जाएगा, कारपेंटर के हाथ में सा होती है, सा होता है यानी आरा होता है, तो स्टेनोग्राफर टाइपराइटर पे काम करता है, पेंटर के हाथ में ब्रश होता है उससे वो काम करता है, जैसे कारपेंटर आरे से काम करता है उसके हाथ में होता है, लायर ब्रीफ करता है चीजों को, और देखे ना सीमस्ट्रेस सिस्टर्स, ठीक है। तो ये इसमें जो है ना ये कैंचियां हैं, लेकिन क्या है कि ये चूंकि सीमस्ट्रेस उनके पास जो काम करते हैं ना कैंची वगैरह से, उनके ये देखें जो मोस्ट सूटेबल है ना, कारपेंटर जैसे काम करता है इसी तरह पेंटर काम करता है, सिमिलर वर्क सिमिलर टूल हाथ में होता है और उससे आप क्या करते हैं, उससे आप काम करते हैं, ठीक है। तो क्या है ये मोस्ट जो अप्रोप्रिएट जो एनालॉजी बन रही है ना, तो वो कारपेंटर सा पेंटर ब्रश। हेलमेट हेड पे पहना जाता है, तो पेडल जो है ना फुट पांव से मारा जाता है, गन हैंड में पकड़ी जाती है, ब्रेसलेट जो है ना ये चेस्ट पे नहीं पहना जाता बल्कि ये हाथ में पहना जाता है, तो पेंडेंट्स जो होते हैं ना वो हारनुमा चीजें होती हैं ये नेक में पहनी जाती हैं, जैसे हेलमेट हेड पे पहना जाता है इसी तरह पेंडेंट्स जो है ना नेक में गर्दन में पहनी जाती हैं, तो डी यहाँ पे ये सूटेबल एनालॉजी। सीमेंट जो है ना ट्रॉल से निकाला जाता है, उसको फेंका जाता है, उसको मिक्स किया जाता है, लॉन जो है ना उसको साफ किया जाता है रेक के साथ, ये घास काटा जाता है, कंफ्लेग्रेशन ये आग होती है शोलेदार, तो मैच उससे वो लगाई जाती है माचिस से, पेंट ब्रश से किया जाता है और फ्लोर को पॉलिश किया जाता है। देखे ना जैसे सीमेंट जो है तो वो ट्रॉल से निकाला जाता है, इसी तरह क्या है कि सीमेंट जैसे ट्रॉल से निकाला जाता है, तो इसी तरह क्या है कि पेंट जो है तो वो ब्रश से किया जाता है, पेंट को ब्रश से वो निकाला और किया जाता है, ट्रॉल से इसको वो किया जाता है, ठीक है। तो लॉन जो है ना तो वो रेक से वो उसको काटने वाली एक चीज है ना, तो ये यूज करने वाली आप कह सकते हैं कि सीमेंट जो है तो वो एक क्या है कि एक आप कह सकते हैं कि एक वर्किंग एलिमेंट है, तो उसको ट्रॉल इस्तेमाल करते हुए उसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इसी तरह पेंट भी एक वर्क का एक एलिमेंट है, तो इसको ब्रश के साथ क्या है कि काम किया जाता है इसके ऊपर, तो ये यहाँ पे सूटेबल एनालॉजी बन रही है। विस्पर का मतलब स्पीक बोलना होता है, जिस तरह से ब्रश का टच, स्किप का वॉक, लिसन का हियर, रिक्वेस्ट का आस्क, तो इसमें जो है ना लिसन का मतलब हियर होता है, तो ये मोस्टली जो अप्रोप्रिएट है ये सी आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट सिनोनिम्स। अपीज का मतलब क्या होता है, कम करना किसी चीज को, एग्रेवेट बढ़ाना होता है, ज्वाइन और अप्रूव, तो मेडिकेट जो है ना ये कम करना होता है, तो ये यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। बेनिफिशियरी जो होते हैं ना वो आपके सक्सेसर्स होते हैं, यानी कि आपके वर्सा होते हैं जो बेनिफिशियरी होते हैं। ब्लॉस्टर उसका मतलब स्ट्रेंथन होता है, उसको बढ़ाना होता है, पावर देना होता है। कैकोफोन्स क्या होते हैं, कैकोफोन्स का मतलब बेसिकली डिस्कॉर्ड होता है, यानी कि डिस्कॉर्डिंग साउंड होता है। और कंप्लेसेंट जो होता है ना वो ओबलाइजिंग होता है, दूसरों को खुश करने वाला बंदा होता है, तो भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये थे इंग्लिश के एमसीक्यू जो कि मैंने एसएसटी जनरल एजे के पीएससी के 3 सितंबर 2022 के पेपर में से लिए थे। तो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। तो मजीद इस तरह की वीडियोज का लिंक आपको राइट साइड पे नजर आ रहा होगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।